वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मपट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे विदुर नीति के अनुसार पांच प्रकार के लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसे जो लोग विदुर ने बताए हुए हैं उन लोगों से दोस्ती करने से आपका अहित होने की संभावनाएं रहती है। महाभारत के अनुसार महात्मा विदुर महाभारत के एक मुख्य पात्र थे और जिसे यमराज के अवतार भी कहा जाता है। विदुर ने देश काल और परिस्थितियों के अनुसार कई सारे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र उन्होंने दिए थे और इसी सारे सूत्रों के समूह को विदुर नीति कहा जाता है। उनके यही सूत्रों में से एक सूत्र ऐसा भी है कि पांच प्रकार के लोगों से मनुष्य को कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो स्वयं मुसीबत में पड़ सकता है अपने दोस्तों के कारण ही। विदुर नीति में एक श्लोक है, अवलीपतेषु मूर्खेषु रौद्र साहसिकेषु च तथैव पेतरमेषु न मैत्रिमाय रेदभूतः। इसका मतलब यह है, इसमें पांच प्रकार के लोगों से दोस्ती करने के लिए विदुर मना कर रहे हैं। सबसे पहला है अभिमानी, अभिमानी मनुष्य। अभिमानी मनुष्य जिसे भी पद धन या अपने रूप पे घमंड या अभिमान होता है वो अक्सर दूसरों का अपमान करते रहते हैं। अगर आप इनके दोस्त होंगे तो कभी ना कभी आपका भी वो अपमान करेंगे, इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए विदुर के अनुसार, अभिमानी लोगों से जिनको कोई भी बात का अभिमान हो। दूसरा है मूर्ख। विदुर कहते हैं कि मूर्ख से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अभी मूर्ख किसको कहते हैं? जो लोग को कर्म और अकर्म इसका ज्ञान नहीं है उसको विदुर मूर्ख कहते हैं। जो ये नहीं जानते हैं कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, जिसके लिए अच्छे और बुरे कर्म में अंतर नहीं है उसी को विदुर मूर्ख कहते हैं। ऐसी व्यक्ति से दोस्ती कभी भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनके बुरे कर्म के आप भागी बन सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो उन्होंने व्यक्ति बताया है वो है अधिक साहसिक व्यक्ति। अधिक साहसिक यानी कि बहुत ही साहसिक लोग, जो ज्यादा साहसिक होते हैं उनसे दोस्ती करने के लिए विदुर मना करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने साहस के कारण, अपनी साहसिक प्रवृत्ति के कारण कभी ना कभी ऐसी गलती कर देते हैं जिसके बाद उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं फॉर्म में आना। तो कई लोग फॉर्म में आके ऐसे काम कर देते हैं अपनी बहादुरी को, ज्यादा बहादुरी को दर्शाते हुए, कि अगर आप उनके साथ में होंगे तो आपको भी मुसीबत में, आप हो सकता है आप मुसीबत में पड़ जाए। इसलिए विदुर ज्यादा साहसिक लोगों से दोस्ती करने के लिए मना करते हैं। उसके बाद विदुर कहते हैं जो चौथा, जो ऐसा जो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए वो है किसी का भी अपमान करने वाला, यानी कि कटु वचन बोलने वाला। जो भी इंसान बोलने से पहले कुछ भी सोचता नहीं है उसके साथ विदुर दोस्ती करने के लिए मना कर रहे हैं। ये भी उसकी वाणी आपको किसी भी मुसीबत में डाल सकती है। उसके बाद विदुर बताते हैं आखिरी इंसान जिससे कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए वो है नास्तिक मनुष्य। नास्तिक मनुष्य या तो अधार्मिक मनुष्य, अधार्मिक मनुष्य या नास्तिक मनुष्य जो होता है उसके विचार अधर्म में ही लगे रहते हैं, अधार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में वो सोचता रहता है क्योंकि उसकी बुद्धि धर्म से विपरीत होती है। तो ऐसे लोग भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं और उनके पाप का कारण आप भी बन सकते हैं। तो इस तरह ऐसे लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।